परिवेशी वस्तु की सहायता से सीखेंगे कम और ज्यादा। जैसे यहाँ हमने कुछ सामग्री इकट्ठा की है जिनसे आप सभी खेलते हो या जिन्हें देखते हो, तो इन्हीं चीजों की मदद से हम सीखने का प्रयास करेंगे। ये कैरम की गोटियाँ हैं, आप सभी बच्चे कैरम खेलना पसंद करते हो। इसमें काली गोटियाँ होती हैं और सफ़ेद। ये गोटियाँ हैं कम और काली गोटियाँ हैं ज़्यादा। ये चौक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पर, स्लेट पर, चौक के दो समूह बने हैं। इस समूह में चौक हैं कम और इस समूह में चौक हैं ज़्यादा। ये फूल पेड़ों पर लगते हैं और सभी को फूल बहुत पसंद होते हैं। ये पीले रंग के फूल हैं और ये हैं गुलाबी रंग के फूल। तो इन्हें हम देखकर बता सकते हैं पीले रंग के फूल ज़्यादा हैं और गुलाबी रंग के फूल हैं कम। अब बारी आती है रंगों की। रंगों से हम सुंदर सुंदर चित्रकारी करते हैं, सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। रंगों के जो दो समूह हैं, इस समूह में रंग है कम और इस समूह में रंग है ज्यादा। पत्ते हरे रंग के होते हैं, पेड़ों पर लगते हैं। पत्तों का ये समूह कम पत्तों का समूह है और इस समूह में पत्ते हैं ज्यादा। तो सभी बच्चों को उम्मीद है समझ में आया होगा कि कौन सा कम और कौन है ज्यादा। इसी तरीके से अभी कुछ चित्र आपके सामने आएंगे। इन चित्र में आपको बताना है कौन से समूह में कम है और कौन से समूह में है ज्यादा। कौन से चित्र में कम फूल हैं? कौन से चित्र में कम बच्चे हैं? कौन से चित्र में ज्यादा आम हैं? कौन से चित्र में ज्यादा लड्डू हैं?